नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनावी नतीजों ने आपको जरूर चौंका दिया होगा। अब कई जातियों ने इस चुनावी नतीजे में ये बता दिया है कि वह किसी पार्टी का झोला नहीं ढोएंगे। लेकिन ऐसे में नवादा की सीट की हम बात करेंगे। नवादा सीट पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें अच्छी खासी सीटें मिली, ए टू जेड का जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया, कुछ हद तक वो सफल भी रहा, ताकत बढ़ी। लेकिन ऐसे में नवादा में उनका जो बल्ब है वो फ्यूज कर गया, क्योंकि श्रवण कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया था। हालांकि वहां के जो ट्रांसफॉर्मर आते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होता है, नवादा की अगर हम बात करें तो वहां पर राजवल्लभ यादव के परिवार के पास है। अशोक यादव चुनाव जीत गए, सलमान राघिब की तो खैर बात ही मत पूछिए। तो ऐसा क्यों हुआ? राजवल्लभ यादव को लगता है कि फिर से खुद को चार्जअप करने में, जो उनका ट्रांसफॉर्मर था, जो उनके परिवार का वर्चस्व था वहां पर, उसे कायम करने में वो सफल रहे? देखिए, एक बात जो आपने सबसे पहले कही कि जातियां अब झोला धोने को तैयार नहीं है, जो सबन जातियां हैं उनका भी मोहभंग हो रहा है एनडीए अलायंस से। यह चुनाव जो हुआ है बिहार विधान परिषद का, उसके नतीजे तो ये ही बता रहे हैं। लेकिन आगे इससे अपने साथ तेजस्वी यादव कैसे करेंगे, देखने वाली बात होगी। अब बात आप कर रहे हैं नवादा की। देखिए, नवादा में निर्दलीय अशोक यादव, राजवल्लभ यादव के भतीजे जो चुनाव जीते हैं, वे सिर्फ यादवों के मत से नहीं जीते हैं। देखिए, उन्हें वहां भुनियारों का मत भी मिला है। और आपको गौर करना होगा, कांग्रेस ने वहां भुनियार प्रत्याशी दिया था निवेदिता सिंह को, एक बड़े नौकरशाह की पत्नी है, लेकिन उन्हें अकेले भुनियार होने के बाद भी मात्र 15 मत मिले, तो कांग्रेस की फजीहत हुई। तो जब नवादा की हम चर्चा करते हैं तो आपने बल्ब की बात करी। देखिए, हम बात करते हैं बल्ब, बदला और ट्रांसफार्मर की। देखिए, तेजस्वी यादव का बल्ब तो फ्यूज हो गया नवादा में, और अपनी गलतियों के कारण। और देखिए, बदला लिया राजवल्लभ यादव ने। अब आप कहेंगे बदला कैसे लिया, तो इस बात को समझिए। सलमान राघिब जो कौशल यादव की पाठशाला के साथी रहे हैं, और नवादा की राजनीति में राजवल्लभ यादव बनाम कौशल यादव की राजनीति चलती रही है। तो जब 2003 में पहली बार ये स्थानीय प्राधिकार का चुनाव हो रहा था, तो सलमान राघिब को कौशल यादव की पाठशाला से उम्मीदवार बनाया गया था। और अभी 2022 में, मतलब 19 वर्षों के बाद, अशोक यादव जो चुनाव जीते हैं, उनकी माँ परमिला देवी वहां चुनाव लड़ रही थी सलमान राघिब के खिलाफ। तो सलमान राघिब ने 2003 में अशोक यादव जो अभी जीते, उनकी मां को चुनाव हरा दिया था। तो देखिए, बदला 19 साल के बाद पूरा हुआ है। अब देखिए, बल्ब कैसे तेजस्वी यादव का फ्यूज हुआ। देखिए, नवादा के बारे में कहा जाता है कि नवादा में आरजेडी का मतलब है राजवल्लभ यादव। वे जहां भी हैं, जिस हालत में हैं, लेकिन नवादा में आरजेडी की राजनीति को ऑपरेट वे ही करते हैं, ट्रांसफार्मर वही हैं। और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने लालू तेजस्वी को ताकत दिखाई है। देखिए, 1995 याद कीजिए, यदि आप इतिहास की बात कीजिएगा तो 1995 में जब बिहार में पहली बार लालू यादव की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था, उनकी पार्टी को, पहले तो उनकी सरकार किसी के भरोसे, फिर 2000 में किसी के भरोसे चलती रही थी, तब भी 1995 में राजवल्लभ यादव जब टिकट मांग रहे थे लालू यादव से, तो उन्होंने टिकट नहीं दिया था। लेकिन राजवल्लभ यादव 1995 में निर्दलीय लड़े थे और जीत कर लालू यादव को ताकत दिखा दी थी। तो इसके बाद देखिए, गाड़ी चलने लगी आरजेडी के साथ जब लालू यादव ने ताकत पहचान ली। लेकिन इस दफे यह सभी को पता था कि राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने पूरी तैयारी कर ली है, सर्टिफिकेट जमा करा लिए हैं, फिर भी उन्हें टिकट से वंचित किया गया। और तेजस्वी यादव ने दांव किस पर खेला? देखिए, श्रवण कुशवाहा, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया, वे आरजेडी की पाठशाला के स्टूडेंट नहीं थे। अंतिम समय में बनाया गया, देखिए सूची जारी हुई थी उस वक्त नहीं थे वो। जो पहली सूची जारी हुई उसमें सूची में लगभग 22 लोगों के नाम तय थे, दो और लोग समस्तीपुर की सीट और नवादा की सीट बाद में डिक्लेयर हुई। और देखिए, कहीं कहीं आपको लक्षण भी दिखाई पड़ता है, यह भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने यह पढ़ने की कोशिश नहीं की कि देखिए, श्रवण कुशवाहा लड़ाके तो है नवादा में, ये भी मूल रूप से कौशल यादव की पाठशाला के रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने का रिकॉर्ड भी ये बनाते चल रहे हैं। देखिए, श्रवण कुशवाहा
2015 में ही एमएलसी बन गए होते। 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर और नवादा से, लेकिन हार गए थे 213 मतों से। और तब कहा गया था कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे, तब वहां सांसद रहे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे उनका समर्थन नहीं मिला था। तो सर्वंत कुशवाहा की हार हुई 2015 में। और 2015 में बिहार विधान परिषद का चुनाव हारने के बाद वे चुनाव लड़ गए थे बिहार विधानसभा का गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय, वहां वे चौथे स्थान पर थे। अब देखिए राजबल्लभ यादव कैसे बर्दाश्त करते। जब राजबल्लभ यादव कन्विक्टेड हुए और फिर से नवादा में बाईपोल हुआ जिसमें जीते कौशल यादव, तो ये श्रवण कुशवाहा भी चुनाव लड़ गए थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। तब विभा देवी को जीत नहीं मिली थी, कौशल यादव को जीत मिल गई थी, लेकिन राजबल्लभ यादव ने माना था कि ये मेरी राह का रोड़ा है। फिर 2020 में भी जब विभा देवी जीती आरजेडी के टिकट पर, कौशल यादव को हराया, कौशल यादव तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन ये श्रवण कुशवाहा फिर से लड़ने आ गए थे राजबल्लभ यादव के खिलाफ, मतलब राजबल्लभ यादव की पत्नी के खिलाफ। तो श्रवण कुशवाहा तो राजबल्लभ यादव को बर्दाश्त हो ही नहीं सकते थे, नहीं करते हैं, हाँ हो ही नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में देखिए वहां बल भी फ्यूज हुआ, राजबल्लभ यादव का ट्रांसफार्मर चार्ज हुआ और बदला भी पूरा हुआ। अब यदि आप ये देखिए ना, जैसा मैंने पहले कहा कि अशोक यादव की जीत में सिर्फ यादव मत नहीं है, भूमियारों का मत भी है। नहीं तो निवेदिता सिंह को, कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 15 मत नहीं मिलते। और यहाँ देखिए जेडीयू की बेइज्जती कैसी हुई। अशोक यादव तो 1434 वोट लाकर चुनाव जीते, लेकिन दूसरे स्थान पर श्रवण कुशवाहा ही रहे आरजेडी के मात्र 789 मत, मतलब हार जीत का फासला बड़ा है। लेकिन सलमान रागी जिनके पास एनडीए का समर्थन था, मतलब जेडीयू, बीजेपी और पशुपति कांग्रेस की लोजपा, वहां चंद्र सिंह सांसद हैं, वे मात्र 707 मत लाए, 707, और वे तीसरे स्थान पर रहे। तो इस तरीके से अब जब नवादा की राजनीति को पेनलाइज कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि राजबल्लभ यादव जहां हैं, लेकिन कौशल यादव की पाठशाला को वे पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हाशिए पर पहुंचाते जा रहे हैं। जैसे देखिए 2005 में कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव दोनों चुनाव में विजयी हुए थे। फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों जीते। 2003 में सलमान रागीब को जिताया था, 2009 में जिताया था, 2015 में जिताया था। और फिर 2015 में क्या हुआ, अपनी बात कर रहे हैं कौशल यादव की, कौशल यादव स्वयं हिसुआ से चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गई थी, कांग्रेस के टिकट पर। 2019 में जब बाई इलेक्शन हुआ, जब राजबल्लभ यादव कन्विक्टेड हुए तो चुनाव हुआ नवादा में, तो कौशल यादव फिर से जेडीयू के विधायक बन गए, लेकिन 2020 में फिर से हार मिल गई कौशल यादव को, वे विभा देवी के हाथों हारे और उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो राजबल्लभ यादव का जो ट्रांसफार्मर है वहां चार्ज हो गया है। और तेजस्वी यादव को भी यह समझना पड़ेगा कि जो उनके डेडिकेटेड लोग हैं या जिनके कारण जिन जिलों में आरजेडी की पहचान है, क्या आप उन्हें दरकिनार कर और नए लोगों को लाकर जीत सकते हैं। आप देख रहे हैं मधुबनी का नतीजा क्या हुआ, गुलाब अंबिका यादव ने कल ही ऐलान कर दिया कि अब हम 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो उनके इर्द गिर्द जो कनफुकवा लोग हैं, और उसमें उन्होंने भोला यादव का भी नाम लिया है जो पब्लिक बाइट है, कि वैसे लोगों से बचना होगा। तो ये नवादा की हकीकत है, नवादा का फसाना है, और भी विश्लेषण तुम लोग करिए। देखिए तमाम बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन आखिर कैसे राजबल्लभ यादव का जो वर्चस्व है, जो उनका दबदबा है नवादा में कायम रहा, और कौशल यादव की ही पाठशाला से निकले श्रवण कुशवाहा कैसे मात खा गए, कैसे अशोक यादव की सलमान रागी भी हार गए। तो आप समझ सकते हैं कैसे राजनीति होती है। अगर हम जिलों की बात करें या क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर राजनीति और काफी गहरी होती है, जिसका असर पड़ता है, लेकिन पटना में बैठे हुए पॉलिटिकल लोग उसे लगता है अच्छे से आंक नहीं पाते, जिस वजह से गलतियां भी होती है। और तेजस्वी यादव का बल्ब इस कारण ही लगता है फ्यूज हुआ नवादा में। बहरहाल देखना ही होगा कि आने वाले समय में अशोक यादव से तेजस्वी यादव के संबंध क्या होते हैं, यह भी देखने वाली बात है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।